नमस्ते मित्रों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, पहले तो हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो काफ़ी लेट आते हैं, मतलब आठ आठ दिन के बाद मेरे व्लॉग्स आते हैं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अभी स्टडी चल रहा है तो उसकी थोड़ी बहुत तैयारी अभी मैं करता रहता हूँ। और अभी तो फ़िलहाल ये प्रॉब्लम हुई है कि नेट की कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास। फ़ोन में तो नेट है ही, लेकिन व्लॉग्स जो मैं पीसी से अपलोड करता था मेरे भाई के ऑफिस पर जाकर, लेकिन अभी लॉकडाउन लगने से उन्होंने भी ऑफिस बंद कर दिया, तो नेट का जो रिसोर्स था, वाईफाई जो होना चाहिए वो था नहीं मेरे पास, और मेरे घर में भी वाईफाई वगैरह नहीं है। तो मैं जो भी सर व्लॉग्स अब से अपलोड मैं करने वाला हूँ वो सारे फ़ोन से ही अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत देर लगेगी, मैं ट्राई करूँगा कि 2 से 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम इतना ही वक्त रहे और बाकी के सारे व्लॉग्स आते जाए। दोस्तों, पहले आगे जाने से पहले वीडियो में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जो लोग गुजरात से देख रहे हैं और गुजरात के बाहर से, आप सब लोगों ने एक न्यूज़ सुनेंगे, जो त्रोकता नाम का जो अभी जो बवंडर आने वाला है, तो उसके लिए अभी सब लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद की आगाही है, और दरअसल में बात यह है कि वो भावनगर से होकर जाने वाला है, मतलब भावनगर के ऊपर से जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ से होकर जाने वाला है। तो मैं तो खुद ख्याल रखूँगा ही, लेकिन आप भी खुद ख्याल रखना। जो भी लोग मेरे शहर से, जो मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से देख रहे हो और गुजरात से देख रहे हो, तो सब लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि कोरोना को भी अभी अगर हमें हराना है तो इस चेन को हमें तोड़ना होगा। ओके, बाद में तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है वो है हमारे शरीर को लेकर। मैंने सोचा कि एक अच्छा व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि कंटेंट मेरा, आप देखोगे पास्ट कंटेंट जो मेरे है सारे वीडियोस, तो ऐतिहासिक वीडियो हो गए या आध्यात्मिक हो गए या आयुर्वेद का मैंने आपको कुछ ही बताया होगा। तो मैंने सोचा कि एक और कदम हम आगे चलते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप बहुत सारे लोगों की वीडियोस को इतना हाई लेवल पर आप फेमस कर देते हो, उन्हें वायरल कर देते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मेरे वीडियो को वायरल कर दो, एटलीस्ट जो भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी थोड़ी मेहनत को समझिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों को एक वो आपको कहना चाहता हूँ जो आज की जो पीढ़ी वो भूलती जा रही है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि वो भूले नहीं और हमारी पीढ़ी लंबे समय तक इन्हें याद रखे। जाने से पहले दोस्तों, जो भी इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो मैं उनसे प्लीज़ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार हो तो # भारतीय मेंबर्स, ये मेरी हमारी फैमिली है, तो इस फैमिली में आप भी ज्वाइन हो जाइए और सब्सक्राइब जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, तो क्योंकि मेरी आने वाली जितनी भी सारी वीडियोज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो अब दोस्तों, चलते हैं आगे। इस वीडियो में मैं आप कुछ नया करने वाला हूँ, मैं आप सब लोगों को आज ब्रह्मांड की सैर कराने वाला हूँ, अवकाश जो अंतरिक्ष है उसकी सैर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, 3 गिनते ही हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे उस ब्रह्मांड के अंदर। तो काउंट डाउन शुरू करते हैं दोस्तों, 3, 2, 1 एंड गो। दोस्तों, इस अब जो अभी ये ब्रह्मांड को देख रहे हो, एक बार ध्यान से देखिए कितना खूबसूरत ब्रह्मांड है दोस्तों, कितना खूबसूरत अंतरिक्ष है दोस्तों। और आप सब लोग दोस्तों, एवेंजर्स की मूवी तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी दोस्तों, कि उसके अंदर क्या खूब दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि आज के इस वीडियो में मैं क्यों एवेंजर्स मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एवेंजर्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर्स के अंदर दिखाए गए हुए वो अस्तित्व के 6 मूलभूत परिमाण, जो एक अनंत मणि के फॉर्म में आपको दिखाए गए थे, आप हमारे सामने वो लाए थे। अब आप ये सोचेंगे कि अचानक से ही ऐसा अनंत मणि आपके भाई मेरे दिमाग में कहाँ से आया। तो दोस्तों, मेरा दिमाग में कोई झिंगा लाला नहीं चल रहा था कि अचानक से ऐसा ख्याल आ गया। मैं धीरे धीरे से उस टॉपिक के अंदर जाना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने, आपके पेरेंट्स हो या चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, सबको पता होता है कि हमारा जो शरीर है वो किसी ऊर्जा से ही चल रहा है। हम जो भी कुछ हम खाते हैं दोस्तों, उससे हमें बहुत ही अच्छी हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकि हम अपना जो रेगुलर वर्क है वो बहुत ही आसानी से हम कर सकें दोस्तों। लेकिन इन सारी शक्तियों को 7 मूलभूत जो चक्र है ना, वो इन्हें नियंत्रण करते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि यार शक्तियाँ बोलो वो ठीक है, चलो खाना हमने खाया और आप कह रहे हो कि भाई उससे शक्ति मिलती है, वो तो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, तो ये तो जो आप जो कह रहे हो वो सच है, तो लेकिन वो ये 7 चक्र कहाँ से है दोस्तों? अब हमने पेरेंट्स से पूछे, बहुत सारे लोग हैं जो ये इस चक्रों के बारे में जानते होंगे। ये चक्र सामान्य तौर पर हमारे शरीर की एक पूरी अंदर आए हुए होते हैं तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो चक्र मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक शक्तियाँ है कि जब आप उन शब्दों को ध्यान करते हो तो वो चक्र, पर्टिकुलर जो चक्र है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपकी जो कुछ कुछ शक्तियाँ हैं वो बढ़ने लगती हैं।
हाँ दोस्तों, सात जो चक्र है उन्हें सात शब्द रिप्रेजेंट करते हैं। ओम है, रू है, ऊ है, ए है, रू है, ऐसे जो वगैरह शब्द है वो उन सात चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं कि वो सात चक्र कौन कौन से। जो अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें देख रहे हो, आप तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो सात चक्र है कौन कौन से वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो चक्र भी आप देख रहे हो, हम उन्हें क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। हम उन्हें ओपन करके फिजिकली, मेंटली और इमोशनली अच्छा हो सकते हैं। तो आखिर में दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में ये जो सारे चक्र असल में जो है वो आखिर है क्या। संस्कृत में अगर हम बात करें तो दोस्तों आध्यात्मिक दृष्टि से संस्कृत में चक्र को मतलब एक डिस्क और एक व्हील के आकार ऐसा माना जाता है। आपके बॉडी में एनर्जी को सेंटर में रहने के लिए ये जो चक्र है उन्हें रिफर्स करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो चक्र है उनकी जो एनर्जी है वो आपकी नर्व और ऑर्गन को संतुलित करती है। हर एक चक्र की एक एक अपनी अपनी एक खूबी होती है। जैसे कि सात चक्र है, नीचे से अगर हम शुरुआत करें तो ऊपर तक अगर हम जाए तो टोटल सात चक्र होते हैं। और अगर मैं आपको बात करूं तो ये जो सातों के सातों चक्र है वो ओपन रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये ओपन पर्टिकुलर चक्र ओपन नहीं होता है तो वो आपको फिजिकली और इमोशनली सिम्टोम्स आपको दे सकते हैं। सिम्टोम्स मतलब क्या, कोई भी रोग आपको दे सकता है उनकी वजह से, मतलब पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, हार्ट की बीमारी होना वगैरह वगैरह, जो भी सारी बीमारीज है जो आजकल कॉमनली देखी जाती है। तो इसे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनका पर्टिकुलर कोई भी एक चक्र शायद बंद हो चुका हो, इसी ही वजह से उन्हें ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अब मैं आपको ये बात करता हूँ कि ये जो सात चक्र हैं उनकी सात स्पेसिफिक जगहों के ऊपर ही इन सात चक्रों को पाया जाता है। मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है कि वो यहीं पर होंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो ऐसी ही होगी। हम सब स्पाइनल के बारे में जानते हैं, करोड़रज्जु जिसे हम कहते हैं, तो उनके साथ ही ये सातों के सात चक्र एक लाइन के अंदर सिमेट्री में ये होते हैं। अगर इस चक्र की अगर हम बात करें तो इन चक्र की शुरुआत रूट से लेकर क्राउन तक जाती है। अब ये जो चक्र होता है वो हमारी बॉडी की एनर्जी को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सभी ऊर्जा को एक ही सेंटर में वो लाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। हर एक चक्र का दोस्तों शरीर में एक अलग ही स्पेशल लोकेशन है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक 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 शब्द के बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। हम बेस से लेकर हेड तक जाएंगे तो सबसे पहले आता है रूट चक्र। तो रूट चक्र का जो अक्षर है, जो शब्द है वो है लम। तो लम शब्द का उच्चारण करने से जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके ऊपर आता है सेक्रल चक्र। तो सेक्रल चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वम शब्द का उच्चारण किया जाता है, जिसकी वजह से सेक्रल चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद आता है सोलार प्लेक्सस चक्र, जो कि हमारे नाभि के ऊपर होता है। तो ये जो चक्र है वो रम शब्द जो है उसका उच्चारण करने से सोलार प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट होता है। उसके ऊपर अगर हम जाए तो उसके ऊपर आता है हार्ट चक्र, तो जिसे यम शब्द का उच्चारण करने से हार्ट चक्र को एक्टिवेट हम कर सकते हैं। उसके बाद जो गले में थ्रोट चक्र आता है, उस थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें हम शब्द का प्रयोजन करना होगा। उसके बाद थर्ड आई चक्र, जो कि हमारे कपाल मस्तिष्क में होता है, उसे एक्टिवेट करने के लिए ऊ शब्द का उच्चारण किया जाता है। और सबसे आखिर में और सबसे महत्व का जो चक्र है वो है क्राउन चक्र, जो कि हमारे हेड चक्र जिसे हम कहते हैं, उसका जो उच्चारण है वो तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। सवेरे सवेरे हम प्राणायाम करते वक्त हम इसी का उच्चारण हम करते हैं, और वो है ओम। दोस्तों ओम के बारे में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि ऐसा माना जाता है और साइंटिस्ट ने भी ये रिसर्च किया है कि सूर्य के अंदर से जो आवाज़ निकल कर आती है दोस्तों, वो ओमकार ही होती है। दोस्तों ऐसा नासा वालों ने भी रिसर्च किया है, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्राउन चक्र, मध्यम चक्र जिसे कहते हैं, क्योंकि सूर्य पूरे सौर मंडल में एकदम मध्यम में आया हुआ है, तो इसी वजह से उसके अंदर से शायद ओमकार का जो उच्चारण है वो हो रहा होगा। दोस्तों मैंने एक छोटी सी क्लिप आपके लिए रखने की मैंने कोशिश की है कि जहाँ पर आप ये सूर्य के अंदर से जो ओमकार जो उच्चारण आपको सुनाई दे सकता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक था, जो कि यह था पहला पार्ट। सिर्फ दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द लाऊंगा। दूसरा पार्ट में लाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस पार्ट में क्या होगा। मैंने अभी आपको सात चक्र के बारे में मैंने बताया दोस्तों, तो फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इन सात चक्रों को हम ओपन भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको कुछ शब्द भी बताए। उन शब्द का उच्चारण करने से उन सातों चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है दोस्तों। सिर्फ उच्चारण करने से ही नहीं, हमारे भारतीय आध्यात्मिक शास्त्र जो पूरा है, वेद शास्त्र जो है, उसके अंदर सात योगासन भी अलग अलग ऐसे दिए गए हुए हैं जिनकी वजह से उन सात चक्रों को आराम से एक्टिवेट किया जा सकता है दोस्तों। और वो सात योगासन कौन से है, फिर आपने सारा पूरा जो चित्र अभी आपने देखा सात चक्रों का, उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि सभी सातों के सातों चक्र में एक रंग निश्चित तौर के दिए हुए हैं कि जो सातों जो चक्र है वो अलग अलग रंग के हैं। तो आपने शायद दोस्तों ये सोचा होगा कि ऐसा ही कलर का ये चक्र क्यों है, ये चक्र इस कलर का क्यों नहीं हो सकता। इसके पीछे भी दोस्तों बहुत ही बड़ा कारण छुपा हुआ है, वो भी मैं आपको दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अभी मैंने मतलब ये बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है, तो मैंने सोचा कि इसे एक पार्ट में विभाजित कर दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेट प्रॉब्लम है। आज मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है, और कि आपके बैकग्राउंड में स्पेस रहे और आपके अंदर आप देख सको, और आई होप कि आप सभी लोगों को अंतरिक्ष में घूमने में काफ़ी मज़ा आया होगा। एक छोटी सी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको सूर्य की जो आवाज़ मैंने आपको सुनाई है वो दोस्तों असली है, वो कोई नकली नहीं है, और मैंने कोई पीछे से बैकग्राउंड में मैंने नहीं डाला है। नासा वालों ने, उनके पास जो बहुत ही हाईटेक जो टेलीस्कोप था जो वेव फ्रिक्वेंसी को कैच कर सके जो था, उनसे नासा वालों ने ये दुनिया के सामने रखा है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो, यही आवाज़ आपको मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही था। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार, और अगर आपको मेरी ये एफर्ट जो है वो आपको पसंद आती है, तो मुझे थोड़ा हौसला दीजिए ताकि मैं आपसे आपके लिए ऐसी ही अलग अलग सारी वीडियोज़ में ला सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला जो दूसरा पार्ट है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों दूसरे पार्ट में।